हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए फुल प्लाजो कटिंग लेकर आई हूं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। ये स्टिच होने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसकी कटिंग करना बहुत आसान है, तो चलिए हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मेज़रमेंट में हम इसका दो नाप लेंगे। लेंथ है हमारे 35 और हिप्स हैं हमारे 36। तो मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। फुल साइज़ का प्लाजो बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ट्रायंगल में। कपड़ा बिल्कुल ठीक रखें, वरना छोटा बड़ा हो जाता है ये। अब हम हिप्स के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। हिप्स है हमारे 36 इंच। इसमें हम 6 इंच और प्लस कर देंगे, हो गए हमारे 42 इंच। 42 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42 का हाफ हो गया 21 और 21 का हाफ हो गया 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। तो हम 10.5 के हिसाब से यहाँ पर 10.5 का निशान लगा देंगे इस जगह कमर के लिए। अब है हमारी लेंथ है हमारी 35 इंच। अब हमारी लेंथ है 35 इंच, तो अब हम इसमें बेल्ट के लिए 2 इंच घटाकर 33 लेंथ रखेंगे इसकी। और ये इंच टेप मेरा 23 तक है, इसमें हम 10 इंच और करेंगे तब हमारा 33 हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमें जितना नाप यहाँ से लिया है, इतना ही नाप हमें इधर से लेना है। ये स्केल मैंने निशान लगाने के लिए लिया है। इधर से भी ऐसे कर दीजिए, इसको राउंड शेप में आप मार्क कर दीजिए। अब आसन हमारा 14 इंच का काफ़ी रहता है, तो आप 14 इंच पर यहाँ मार्क कर लीजिए और इधर से 1 इंच का निशान लगा लीजिए। इसको इससे जॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर राउंड में आप निशान लगा लीजिए। और आपको यहाँ से कटिंग करनी है। और अम्ब्रेला प्लाजो में यहाँ पर दो साइड जोड़ ज़रूर आता है, क्योंकि अम्ब्रेला है, अर्ज की वजह से पूरा नहीं पड़ पाता। तो आप यहाँ पर जोड़ लगा दीजिए, पहले इसको कटिंग कर दीजिए। इधर से भी आप कटिंग कर दीजिए और कमर के लिए इधर से कटिंग कर दीजिए। ये हमारा प्लाजो तैयार है, मगर इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगेगा। आप जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह रखकर निशान लगा दीजिए और इसको यहाँ जॉइंट कर दीजिए। कपड़े को साइड से कटिंग कर दीजिए, फोल्ड साइड से नहीं करनी, दूसरी साइड से करनी है। ये देखिए हमारा इस तरह से कटेगा और ये जॉइंट जो है ये पीछे की साइड आ जाएंगे। जॉइंट से आप ना घबराएं, ये अम्ब्रेला में आते ही हैं। अगर आपका अर्ज काफ़ी अच्छा है तो नहीं आएंगे, अदरवाइज आएंगे। अब बेल्ट के लिए मैंने 4 इंच की पट्टी ले ली है, क्योंकि ये फोल्ड होगी फिर 2 इंच आ जाएगी। और ऐसे आप इसको 21 इंच ले लीजिए और इसको यहाँ जॉइंट कर दीजिए। ये हमारे प्लाजो की कटिंग तैयार है। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।